हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं चीज़ चिली। ये बहुत ही बढ़िया डिश बनती है, चीज़ जिसे हम पनीर भी कहते हैं। ठीक है, ये जो है ना, ये मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। ये 2 टीस्पून मैंने जो है रेड चिली, कश्मीरी चिली पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून अजीनोमोटो, ये 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, और ये हमने 2 टीस्पून के करीब सॉल्ट लेना है, और ये अदरक लहसुन 2 टेबलस्पून मैंने जिंजर एंड गार्लिक बोथ मैंने थोड़ा सा दरदरा पीस लिया था, और ये 3 कैप्सिकम्स हैं जो मैंने इस तरह कट किए हैं, और ये जो है ये 1/2 kg करीब पनीर है, और ये है 4 से 5 टमाटर मीडियम साइज़ के, इसी में 2 से 3 ग्रीन चिलीज हैं जो मैंने ऐसे दरदरा कूट लिया है चॉपर में, और ये 3 बड़े वाले जो हैं बड़े साइज़ के प्याज हैं जो है, और ये हमने थोड़ी सी रेड चिली लेनी है 1 टीस्पून और सोया सॉस 2 टीस्पून और 2 टीस्पून ग्रीन चिली सॉस। चलिए, ये अभी मैंने जो है 1 कप के करीब मैंने ये वाला जो है ऑयल लिया है। अब इसमें हम ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अभी जो है इसमें मैंने चॉप जो मैंने जिंजर गार्लिक किए थे वो मैं डाल रही हूँ। ये देखिए, ये इसको हल्का सा सॉटे करना है, ज़्यादा नहीं, और इसके बाद ही हम जो है इसके अंदर अनियन जो मैंने चॉप किए हैं बिल्कुल फाइनली चॉप जिसको बोलते हैं वो हम डालेंगे। इसको बस हल्का सा ही सॉटे करना है, थोड़ा सा पिंक सा हो जाए फिर हम डालेंगे इसमें अनियन। चलिए, ये देखिए हल्का सा जो है लाइट पिंकिश में आ गया है, अभी हम ये देखिए ये हल्का सा अभी पिंकिश में आ गया है। ये देखिए अभी हम जो है अनियन इसमें डालेंगे। ठीक है, ये देखिए और हमें इसको जो है, और इसमें आप क्या करिए, ये पिंच सॉल्ट डाल लीजिए, थोड़ा थोड़ा अनियन जल्दी से भुना जाएगा, अभी आपको इसको अच्छे से भून लें। ये देखिए हमारा अभी ये जो अनियन है तो बिल्कुल अच्छे से जो है भुन गया है। देखिए कितना थोड़ा सा हो गया है, ये 3 प्याज हमने बड़े लिए थे तो इसी भी 3 प्याज आपको बस इतना ही आपको ब्राउन करना है, ज़्यादा नहीं। अभी हम इसके अंदर जो है स्लो करती हूँ गैस, हम डालेंगे पहले ये 1 टीस्पून के करीब सोया सॉस, मतलब आपको ये सोया सॉस जो है 2 टीस्पून के करीब डालना है। ठीक है, हम थोड़ा सा इसको ऐसे मिक्स करेंगे हल्का सा, ये देखिए अच्छे से पहले मिक्स कर लीजिए, बस थोड़ा सा डाल। अभी हम जो है ये 2 to 3 टेबलस्पून जो है ये चिली सॉस मैंने डाला है, ये आपकी स्पाइसी जो स्पाइसेस से आपके ऊपर ही पूरा डिपेंड है, मैंने 2 से 3 डाले हैं, थोड़ा मीडियम स्पाइसी अच्छा लगता है, और ये मैंने रेड चिली सॉस भी 2 से 3 चम्मच तक डाल रही हूँ, थोड़ा इसमें ना स्पाइसी ही अच्छा लगता है। चिली चीज़ जो है, हमने चिलीज भी जो लिए हैं वो एक बड़े चिलीज जो ये शिमला मिर्च है वो लिया है, कैप्सिकम और चिली जो है उसके अकॉर्डिंग ही डालना है। देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है। मैं ये जो मैंने आपको कश्मीरी रेड चिली पाउडर 2 टीस्पून बताई थी वो मैं डाल रही हूँ। ठीक है, और ये 1 टीस्पून के करीब कोरिएंडर पाउडर है, और 1 टीस्पून के करीब ब्लैक पेपर है, ब्लैक पेपर मस्ट है, एंड 1 टीस्पून के करीब चिली फ्लेक्स हैं। ठीक है, और ये अजीनोमोटो 1 टीस्पून। ठीक है, अब इनको सबको आपको ऐसे मिक्स कर देना है। अभी मैंने नमक नहीं डाला है, ये देखिए कितना अच्छा सा रेड, कितना अच्छा सा कलर आ चुका है। अभी हम इसके अंदर जो है टोमेटोज जो मैंने 4 to 5 जो मैंने चॉप किए थे वो हम डालेंगे। ये देखिए, ठीक है, अभी हम जो है सॉल्ट डालेंगे। हम सॉल्ट हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग, मतलब आप जितना कम ज़्यादा कर सकते हो, मैं इसमें 2 टीस्पून के करीब डाल रही हूँ। ठीक है, अगर कम लगे तो आप और बढ़ा सकते हैं, और स्पाइसेस भी जो है आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो चिली सॉस और ग्रीन सॉस मैंने बोली है ना वो, बस ये थोड़ा सा ऑयल छोड़ दे, फिर हम इसमें
कैप्सिकम डालेंगे। कैप्सिकम जो है इसमें हाफ कुक्ड होनी चाहिए, फुल कुक्ड नहीं, ठीक है। इसमें ऑलरेडी मैंने 2 से 3 ग्रीन चिलीज डाल दी हैं और जो चीज़ है, जो पनीर है, वो हम लास्ट में डालेंगे और उसको सिर्फ पनीर डाल के जो है इसको ज़्यादा पकाना नहीं है। ये देखिए कितना अच्छा हमारा मसाला रेडी है चिली चीज़ का। ये देखिए हमारा ये जो ये है ऑयल, देखिए छोड़ दिया है बिल्कुल, देखा दिख रहा है आपको, हाँ। और अभी इसमें हम ये देखिए बस हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है। अभी हम कैप्सिकम इसमें डालेंगे, मैंने 3 बड़ी कैप्सिकम ली है, ठीक है। बस इसको आपको हाफ कुक करना है क्योंकि ये स्टीम से ही जब आप ढक दोगे ना, ये उसी से ही हो जाएगी। थोड़ी एक क्रंची क्रंची लगेगी अगर आप थोड़ा इसको हाफ कुक रखोगे तो, फुल कुक रखोगे तो ये मज़ा नहीं आएगा खाने में भी। और ये हमारा चिली चीज़ बस अभी रेडी होने वाला है। ये देखिए इसमें पानी नहीं अभी डालना, मैं आपको बताऊंगी कि कब डालना है अकॉर्डिंग टू द ग्रेवी, ठीक है। ये देखिए अभी हम इसको बस 2 से 3 मिनट तक ढक देते हैं मीडियम फ्लेम पे। देखिए हमारा जो ये कैप्सिकम है हाफ कुक हो गया है, ये आपको 5 मिनट तक रखना है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये देखिए हो गया। अभी हम इसमें डालेंगे ये पनीर जो हमने छोटे छोटे काट के रखे हुए, ठीक है। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ऐसे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा लगता है, ये आप रोटी के साथ, नान के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। अभी बस इसमें हाफ कप के करीब मैं हल्का सा ऐसे पानी डालूँगी। ये बस थोड़ा क्या है, थोड़ा सा हल्का सा ग्रेवी टाइप बन जाएगा इसको। ज़्यादा हमने ग्रेवी ग्रेवी नहीं बनानी, मतलब करी टाइप नहीं। ये देखिए ये ऐसे होनी चाहिए। ये देखिए ऑयल छोड़ दिया है, हमने 5 मिनट ढक के रख दिया था। बस इसको आपको अभी एक ऐसे बस स्टिर देना है और गैस बंद कर देना। ये देखिए कुक्ड हो गए हैं, कैप्सिकम ज़्यादा नहीं कुक करना। अभी हम इसकी प्लेटिंग करते हैं अच्छे से। ये देखिए हमने अभी प्लेटिंग कर दी है, हमारा बढ़िया सा चिली चीज़ रेडी हो गया है। आपको मेरी अगर रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।